गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने एनर्जी का मापन किया था, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूले ड्राइव किए थे। उसके बाद में हमने एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम सीआरओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीआरओ स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। अब देखिए, जो सीआरओ का जो मेन पार्ट होता है वो होता है सीआरटी। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सीआरओ का मुख्य भाग, या इसे हार्ट भी बोलते हैं, हार्ट, सीआरओ का मुख्य भाग सीआरटी होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सीआरओ का मुख्य भाग या इसे हार्ट कौन होता है, सीआरटी होता है। तो सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, सीआरटी, सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सीआरओ का मुख्य भाग सीआरटी होता है। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। अब देखिए, जो सीआरटी होती है उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो सीआरटी के पार्ट, ठीक है, तो सीआरटी के मेन पार्ट, ठीक है, मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो फर्स्ट होता है इसका इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन होता है, ठीक है, और सेकंड इसका जो भाग होता है वो होता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट, यानी विक्षेपण प्लेट। सेकंड भाग कौन सा है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, जिसे हम क्या कहते हैं, विक्षेपण प्लेट कहते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है स्क्रीन ऑफ सीआरओ। क्या है, स्क्रीन, स्क्रीन ऑफ सीआरओ, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है कि सीआरओ का मुख्य भाग होता है सीआरटी, जिसे हम हृदय भी बोलते हैं। सीआरओ का हृदय किसे बोलते हैं, सीआरटी को बोलते हैं। और सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब होता है। और सीआरटी को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट और स्क्रीन ऑफ सीआरओ। अब ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन गन है उसे भी पांच भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन के कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहला है आपका हीटिंग एलिमेंट। क्या है, हीटिंग एलिमेंट, यानी तापन तंतु, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका कैथोड, ठीक है, और थर्ड पार्ट है इसका कंट्रोल ग्रिड। क्या है, कंट्रोल ग्रिड, ठीक है, और फोर्थ है इसका अग्र व त्वरित एनोड, जिसे क्या कहते हैं, प्री एंड पोस्ट एक्सीलरेटिंग एनोड, ठीक है ना। तो प्री का मतलब अग्र, पोस्ट का मतलब पश्च, एक्सीलरेटिंग मतलब त्वरित एनोड, अग्र व पश्च त्वरित एनोड। और फिफ्थ इसका जो पार्ट है वो है आपका फोकसिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, ठीक है। तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन गन के कौन से पार्ट हैं, तो आपको दे दिया जाएगा हीटिंग एलिमेंट, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, प्री
वह पोस्ट एक्सिलरेटिंग एनोड या फोकसिंग एनोड दिया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड हमारा कौन सा है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट यानी विक्षेपण प्लेट है। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट यानी विक्षेपण प्लेट। तो विक्षेपण प्लेट भी दो प्रकार की होती है, एक ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट होती है और दूसरी कौन सी होती है, क्षैतिज विक्षेपण प्लेट होती है। तो आप क्या लिख सकते हो कि ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट और सेकंड है आपकी क्षैतिज विक्षेपण प्लेट, ठीक है। तो ये इसके क्या है, मुख्यतः पार्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है कि आपका जो सीआरओ होता है उसका हृदय किसे कहते हैं, तो वो कौन सा है, सीआरटी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से इनके पार्ट से पूछा जा सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन गन है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और इनमें से उठा लिया जाएगा। अब इनके एक एक पार्ट्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, उससे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले क्या होता है इसमें कि ये होती है इसकी स्क्रीन, जो किसकी बनी होती है, ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर आपकी लगी रहती है पिंस, ठीक है। ये क्या लगी हुई है, यहां पर पिन लगी होती है, ठीक है। तो ये आपकी है पिन, कनेक्टिंग पिन, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इस वाले स्थान पर यहां पर एक कैथोड लगा रहता है, क्या लगा रहता है, कैथोड, ठीक है। ये है आपका कैथोड, ठीक है। और इस कैथोड के अग्र भाग पर यहां पर बेरियम ऑक्साइड और संट्रांसियम ऑक्साइड का क्या रहता है, लेपन रहता है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो कैथोड है, कैथोड के इस सिरे पर बेरियम ऑक्साइड और संट्रांसियम ऑक्साइड का क्या रहता है, लेपन रहता है। और इस कैथोड के आंतरिक भाग पर यहां पर ठीक है, ये आपका होता है हीटिंग एलिमेंट, तापन तंतु, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है ये जो इसका भाग है ये क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट तापन तंतु होता है। तो ध्यान में रखना है कि ये आपका हीटिंग एलिमेंट है, तापन तंतु है, जो किसका बनाया जाता है, नाइक्रोम का बनाया जाता है, किसका बना होता है, नाइक्रोम।
अब ध्यान में रखना है कि इसे कैथोड को गर्म करने के लिए इसको आप कितनी सप्लाई देंगे, 6.3 वोल्ट एंड 600 मिली एम्पियर करंट, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इस वाले स्थान पर यहां पर क्या लगी होती है आपकी कंट्रोल ग्रिड लगी रहती है यहां पर, ठीक है ना। यहां पर थोड़ा सा इसे नीचे बना दीजिए, ठीक है। तो ये यहां पर क्या लगी है, कंट्रोल ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। इस कंट्रोल ग्रिड का क्या कार्य रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करना रहेगा। और ध्यान में रखना है कि कंट्रोल ग्रिड किसकी बनी होती है, निकिल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, निकिल की बनी होती है। और इस पर हमेशा क्या देंगे हम, नेगेटिव सप्लाई देंगे, नेगेटिव सप्लाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस वाले स्थान पर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहां पर ये जो एनोड लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये तो आपका क्या है, अग्रतावरित एनोड है। क्या है, अग्रतावरित एनोड, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री एक्सिलरेटिंग एनोड, प्री एक्सिलरेटिंग एनोड भी बोलते हैं, ठीक है या। और ये होता है आपका पार्श्वतावरित एनोड। क्या है ये, पार्श्वतावरित एनोड, पार्श्वतावरित एनोड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट एक्सिलरेटिंग एनोड बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके मध्य ये जो लगी हुई है, ये है आपकी फोकसिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इस वाले स्थान पे यहां पर आपकी लगी रहती है ऊर्ध्वाधर और क्षितिज विक्षेपण प्लेट, ठीक है। तो ये आपकी है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट और ये है आपकी क्षितिज विक्षेपण प्लेट, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि कहां पर क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, हीटिंग एलिमेंट, तापन तंतु, जो किसका बना होगा, नाइक्रोम का। उसके बाद में कैथोड होगा, जिसपे लेपन किसका रहेगा, बेरियम ऑक्साइड का। उसके बाद में कंट्रोल ग्रिड है, उसके बाद में अग्रतावरित एनोड, पार्श्वतावरित एनोड और मध्य में फोकसिंग एनोड। यहां पर विक्षेपण प्लेट है आपकी, ऊर्ध्वाधर और क्षितिज। अब इसके बाद देखिए यहां पर लगा रहता है ग्रेफाइट, क्या लगा रहता है, ग्रेफाइट। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला ये होता है ग्रेफाइट का बना हुआ,
किसका बना हुआ है ये? ग्रेफाइट का। ठीक है, और ये जो भाग है यहां पर ये वाला, ठीक है, यहां पर लगी हुई होती है एल्यूमिनियम की पत्ती। यहां पर लगी है आपकी एल्यूमिनियम पत्ती, ठीक है, और ये आपकी क्या है? स्क्रीन ऑफ सीआरओ। वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो यहां पर ये जो आपकी स्क्रीन है इसके ऊपर आपको क्या दिखाई देती है? वेव फॉर्म दिखाई देती है, ठीक है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाह्य भाग होता है स्क्रीन का, ये जो बाह्य भाग होता है स्क्रीन का, ये बना होता है ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है, ध्यान में रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्क्रीन का बाह्य भाग बना होता है ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है, और इसके जो आंतरिक भाग होता है, ठीक है, इसका जो आंतरिक भाग है यहां पर, इस पर हमेशा फास्फर की क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है, फास्फर लेपन, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? संरचना है, और यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स किधर गति करते हैं? स्क्रीन की ओर गति करते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर? स्क्रीन पर आकर के क्या करते हैं? टकराते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी कि सीआरटी के मेन पार्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, स्क्रीन ऑफ सीआरओ, ठीक है। तो ये तीन भाग होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन गन है, उसमें क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट आ गया आपका, कैथोड आ चुका है, कंट्रोल ग्रिड आ चुका है, प्री एंड पोस्ट एक्सिलरेटिंग एनोड आ चुका है, और क्या आ चुका है? फोकसिंग एनोड आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर के ये जो भाग है आपका किसके अंडर आता है? इलेक्ट्रॉन गन के अंडर में आता है। तो यहां से लेकर के ये जो पार्ट है यहां तक का, ये किस में आता है? इलेक्ट्रॉन गन के अंडर आता है, ठीक है ना। अब देखिए, उसके बाद में सेकंड पार्ट कौन सा है आपका? डिफ्लेक्टिंग प्लेट, विक्षेपण प्लेट। तो ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट और क्षैतिज विक्षेपण प्लेट। तो ये वाला जो पार्ट है आपका यहां से लेकर के ये वाला, ये किस में आता है आपका? डिफ्लेक्टिंग प्लेट में आता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका कौन सा है? स्क्रीन ऑफ सीआरओ। तो यहां से लेकर के ये जो भाग है ये किसके अंडर में आता है? स्क्रीन ऑफ सीआरओ में आता है,
ये आपकी क्या हो चुकी है, स्क्रीन, स्क्रीन ऑफ सीआरओ। तो ये क्या है, इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है किसकी, सीआरओ की। तो सबसे पहले ये कैसे कार्य करता है ये मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम क्या है पॉइंट वाइज इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर जो हीटिंग एलिमेंट है, तापन तंतु है, वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। जब इसे आप वोल्टेज 6.3 वोल्ट और करंट 600 मिली एम्पियर देते हो तो ये क्या करता है, कैथोड को गर्म करता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि तापन तंतु का कार्य यहां पर क्या रहेगा कि आपके कैथोड को गर्म करने का रहेगा, ठीक है। तो यहां पर जो कैथोड है उसकी संरचना क्या है, बेलनाकार है। कैथोड की संरचना क्या है, बेलनाकार। तो इसके एक सिरे पर यहां पर बेरियम ऑक्साइड और सेंट्रांसियम ऑक्साइड का क्या रहता है, लेपन रहता है। किसका, बेरियम ऑक्साइड और सेंट्रांसियम ऑक्साइड का लेपन रहता है। तो जैसे ही ये कैथोड गर्म होगा तो सामान्य ताप पर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो यहां पर कैथोड का क्या कार्य हुआ कि सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना, उत्सर्जन करना होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट क्या लगा होता है, कंट्रोल ग्रिड लगा होता है। तो कंट्रोल ग्रिड का यहां पर मुख्य उद्देश्य रहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करना। अब देखिए यहां पर कैथोड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित कौन करता है, कंट्रोल ग्रिड करता है, जो निकिल धातु का बनाया जाता है जिस पर हम ऋणात्मक सप्लाई देते हैं। ऋणात्मक क्यों देते हैं, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उन पर आवेश भी ऋणात्मक है, और यहां से यदि आप सप्लाई भी ऋणात्मक देते हो तो दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों पर आवेश क्या है, समान है। इसलिए कंट्रोल ग्रिड का यहां पर कार्य क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने का होगा। अब देखिए उसके बाद में आता है आपका अग्र त्वरित एनोड और पश्च त्वरित एनोड। तो अग्र त्वरित एनोड का क्या कार्य रहेगा कि यदि स्क्रीन की ब्राइटनेस, ब्राइटनेस से मतलब है चमकीलापन, यदि स्क्रीन की ब्राइटनेस आपकी कम हो या ज्यादा हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, अग्र और पश्च त्वरित एनोड पर। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि यदि इनपुट आवृत्ति का मान 10 मेगाहर्ट्ज से कम होता है तो स्क्रीन की ब्राइटनेस को कौन नियंत्रित करेगा, अग्र त्वरित एनोड करेगा। और यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी का मान 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है तो स्क्रीन की ब्राइटनेस को कौन नियंत्रित करेगा, पश्च त्वरित एनोड करेगा। इसके अलावा यहां पर फोकसिंग एनोड होता है। फोकसिंग एनोड भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विद्युत स्थितिक और दूसरा कौन सा होता है, विद्युत चुंबकीय। अब देखिए आपका जो सीआरओ होता है जो लैब में प्रयोग में लाया जाता है उसकी स्क्रीन का रिजोल्यूशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसमें आप विद्युत स्थितिक फोकसिंग एनोड का प्रयोग करते हो, जबकि आपका जो टीवी होता है उसका रिजोल्यूशन अधिक होता है, ठीक है, उसका रिजोल्यूशन अधिक होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय फोकसिंग एनोड का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर फोकसिंग एनोड का मुख्य उद्देश्य रहता है रिजोल्यूशन का, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर आपकी क्या लगी होती है, विक्षेपण प्लेट लगी होती है। तो विक्षेपण प्लेट का कार्य क्या रहता है, जो एक सीधी रेखा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनको पूरी प्लेट पूरी स्क्रीन पर विस्थापित करने का रहता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि विक्षेपण प्लेट का कार्य जो एक सीधी रेखा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उन्हें पूरी स्क्रीन पर विस्थापित करने का रहता है।
तो यहां पर ये कार्य करने के लिए यहां पर दो प्रकार की विक्षेपण प्लेट प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहले है आपकी ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट, तो ये हमेशा वाई एक्सिस में गति करेगी। दूसरी कौन सी है, क्षैतिज विक्षेपण प्लेट है, तो वो एक्स एक्सिस में क्या करेगी, गति करेगी। अब देखिए इनसे संबंधित भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट कार्य करना बंद कर दे तो स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, केवल मात्र आपको एक क्षैतिज रेखा दिखाई पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि यदि क्षैतिज विक्षेपण प्लेट कार्य करना बंद कर दे तो स्क्रीन पर हमें क्या दिखाई देता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है केवल मात्र एक ऊर्ध्वाधर लाइन दिखाई पड़ती है। और यदि दोनों प्लेटें ही कार्य करना बंद कर देती है तो हमें स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, तो अब देखिए दोनों प्लेटें कार्य करना बंद कर देगी तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं ये कहीं पर भी विस्थापित नहीं होंगे, केवल कहां पर आकर के टकराएंगे, मध्य भाग में। तो आपको स्क्रीन पर केवल मध्य भाग में ही प्रकाश में बिंदु दिखाई पड़ता है, ये काफी बार पूछे जाते हैं, ये सभी पॉइंट्स हम नोट करेंगे, पहले समझ लेते हैं। अब देखिए इसके बाद में आपकी जो स्क्रीन है वो किसकी बनी होती है, ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ऑप्टिकल फाइबर की, और इसके आंतरिक भाग पर फास्फर का लेपन किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फास्फर लेपन क्यों कराते हैं, तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, तो इनमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो फास्फर लेपन का मुख्य उद्देश्य रहता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉन क्या है, गतिज ऊर्जा से आकर के क्या करेंगे, स्क्रीन से टकराएंगे और क्या उत्पन्न करेंगे, प्रकाश उत्पन्न करेंगे, और ये प्रकाश उत्पन्न किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, फास्फर लेपन के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फास्फर लेपन का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब देखिए पुराने समय में क्या होता था कि आपके ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, ठीक है, तो वहां पर केवल क्या होता था, फास्फर लेपन ही होता था केवल। अब क्या है कि हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे कलर टीवी आने लगे हैं, आपके पास एलईडी भी है, एलसीडी भी है, तो इनमें क्या है कि इस फास्फर लेपन में कुछ सक्रिय तत्व मिलाए गए या एलिमेंट मिलाए गए, जिससे क्या होगा, इसकी प्रदीप्तन दक्षता भी बढ़ गई है और अलग अलग कलर्स में दिखाई देने लगे हैं हमारे जो चित्र आते हैं, ठीक है। तो वो सक्रिय एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना है कॉपर, सिल्वर, मैग्नीन और क्रोमियम। क्या मिलाए जाते हैं, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीन और क्रोमियम मिलाए जाते हैं, जिससे प्रदीप्तन दक्षता बढ़ जाती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, गतिज ऊर्जा से जाकर के स्क्रीन से टकराते हैं, तो स्क्रीन से टकराने के बाद क्या उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो प्रकाश उत्पन्न करेंगे उसके साथ साथ ऊष्मा भी क्या होगी, उत्सर्जित होगी, तो उस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए स्क्रीन के अदृश्य भाग, ये तो कौन सा होता है, दृश्य भाग होता है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन ये जो अदृश्य भाग है यहां पर एल्यूमिनियम की क्या लगाई जाती है, पत्ती लगाई जाती है जो हीट सिंक का क्या करती है, कार्य करती है, यानी कि ऊष्मा को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्क्रीन से टकराते हैं, तो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसके साथ साथ ऊष्मा भी क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो उस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए हमेशा सीआरओ की स्क्रीन के अदृश्य भाग पर एल्यूमिनियम की क्या लगाई जाती है, पत्ती लगाई जाती है जो हीट सिंक का कार्य करती है। अब देखिए इसके अलावा यहां पर क्या रहता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि स्क्रीन से टकराते हैं,
लेकिन टकराने के बाद भी वो क्या है प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं, तो उनका क्या होता है द्वितीयक उत्सर्जन होता है। तो यहां पर अदृश्य भाग पर द्वितीयक उत्सर्जन के लिए हम एक ग्रेफाइट लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्वाडोग बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है, एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जाता है कि एक्वाडोग किसका बना होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये मैंने आपको बातें बता दी है, अब पॉइंट वाइज हम इसे नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है यहां पर हीटिंग एलिमेंट, तापन तंतु, हीटिंग एलिमेंट, तापन तंतु। तो तापन तंतु किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम, ठीक है ना। हमेशा ध्यान में रखना है कि हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, कैथोड को गर्म करना, ठीक है, इसका कार्य कैथोड को गर्म करना, ठीक है। इसके लिए इसे सप्लाई कितनी दी जाती है, सप्लाई, सप्लाई कितनी है 6.3 वोल्ट एंड 600 मिली एम्पियर करंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपके पास यहां पर कैथोड, ठीक है, कैथोड। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कैथोड की संरचना क्या होती है, बेलनाकार। तो हम क्या लिखेंगे, कैथोड की संरचना बेलनाकार, बेलनाकार होती है। संरचना क्या होती है, बेलनाकार होती है, और इसके एक सिरे पर बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड व संट्रांसियम ऑक्साइड का लेपन लगाया जाता है, किसका, बेरियम ऑक्साइड और सट्रांसियम ऑक्साइड का क्या लगाया जाता है, लेपन लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या रहता है, सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करने का। तो इसका कार्य, इसका कार्य सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपके पास कौन सा आता है, कंट्रोल ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड। तो कंट्रोल ग्रिड किसकी बनी होती है, निकिल की बनी होती है, किसकी बनी होती है, निकिल की। इसका कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने का। तो हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल ग्रिड का कार्य इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को नियंत्रित करना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करना। और इसके लिए इस पर क्या देते हैं हम,
ऋणात्मक जलवायु, इस पर ऋणात्मक सप्लाई दी जाती है। क्या दी जाती है? ऋणात्मक सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा है? अग्रत्वरित एनोड, अग्र व पश्च त्वरित एनोड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अग्र और पश्च त्वरित एनोड का क्या रहेगा, कि जब इनपुट आवृत्ति का मान 10 मेगाहर्ट्ज से कम रहता है तो स्क्रीन की ब्राइटनेस को कौन नियंत्रित करेगा? अग्र त्वरित एनोड। तो क्या लिखेंगे? जब इनपुट आवृत्ति का मान 10 मेगा हर्ट्ज से कम होता है तो स्क्रीन की ब्राइटनेस को अग्र त्वरित एनोड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि जब इनपुट आवृत्ति का मान 10 मेगाहर्ट्ज से कम होता है तो स्क्रीन की ब्राइटनेस को कौन नियंत्रित करेगा? अग्र त्वरित एनोड करेगा, ठीक है। तो अब यहां से हम इस पार्ट को मिटा देते हैं। अब देखते हैं पश्च त्वरित एनोड। तो नेक्स्ट कौन सा है? पश्च त्वरित एनोड में क्या लिखेंगे कि जब इनपुट आवृत्ति का मान 10 मेगा हर्ट्ज से अधिक होता है, तो ध्यान में रखना है कि जब इनपुट आवृत्ति का मान 10 मेगा हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है तो स्क्रीन की ब्राइटनेस को पश्च त्वरित एनोड द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है हमारा? फोकसिंग एनोड है। कौन सा है? फोकसिंग एनोड। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिफ्थ, फोकसिंग एनोड, ठीक। तो फोकसिंग एनोड होती है वो दो प्रकार की होती है, ध्यान में रखना है। एक तो होती है विद्युत स्थैतिक और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय। तो हमेशा ध्यान में रखना है सबसे पहले कि विद्युत स्थैतिक फोकसिंग एनोड किसमें प्रयोग की जाती है? लैब सीआरओ में, ठीक है। दूसरा आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि विद्युत चुंबकीय फोकसिंग एनोड किसमें प्रयोग की जाती है? टीवी में। इसमें टीवी में। तो हमेशा ध्यान में रखना है
रिजोल्यूशन किसका उच्च रहता है? विद्युत स्थितिक का, तो विद्युत चुंबकीय का। तो ध्यान में रखना है कि विद्युत चुंबकीय फोकसिंग एनोड का रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन अधिक होता है, अधिक होता है, जबकि कम किसका रहता है? आपका विद्युत स्थितिक का। जबकि विद्युत स्थितिक का रेजोल्यूशन कम होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपसे बहुत बार कि जो लैब सीआरओ है उसमें फोकसिंग एनोड किसकी बनी होती है, सॉरी कौन सी होती है? विद्युत स्थितिक होती है। टीवी होती है उसमें कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय। इसके बाद में आता है हमारा विक्षेपण प्लेट यानी डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो सिक्स नंबर आता है हमारा विक्षेपण प्लेट। ठीक है, तो ध्यान में रखना है विक्षेपण प्लेट। तो विक्षेपण प्लेट का कार्य क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गति कर रहे हैं उनको पूरी स्क्रीन पर विस्थापित करने का होता है। तो क्या लिखेंगे? इसका कार्य इलेक्ट्रॉन्स जो एक सीधी रेखा में गति करते हैं उन्हें पूरी स्क्रीन पर विस्थापित करने का होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो विक्षेपण प्लेट होती है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले यदि हम बात करें ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट की, तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर क्या लिखा है कि जो विक्षेपण प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? पूरी स्क्रीन पर विस्थापित करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स किसी सीधी रेखा में गति कर रहे हैं तो वहां पर उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो क्या होगी? 1/2 mv² होगी। ठीक है, अब ये किसी के बराबर होगी? किसके कार्य के? W के बराबर होगा कार्य के। तो यहां से आपके पास क्या चुका है? 1/2 mv² बराबर यहां पर va एक्सिलरेशन इंटो e इलेक्ट्रॉन या इन पर आवेश हो चुका है। तो यहां पर इनकी वेलोसिटी यानी वेग क्या होगा? इधर इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या होगा आपका? mve² बराबर क्या होगा? 2va इंटो e। ठीक है, तो m का इसमें क्या होगा? भाग, और स्क्वेयर यहां से हटाओगे तो ये किस में चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। तो यहां पर VE बराबर क्या हो गया? √2va(e)/m। तो यहां पर जो आपकी गति होगी वो त्वरण के समानुपाती होगी, यानी VE समानुपाती √va के होगी। ठीक है, तो यहां पर ये मान यदि बढ़ेगा यानी त्वरण बढ़ेगा तो इसकी गति भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहां से आपको पता चल जाता है कि यदि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का त्वरण बढ़ेगा यानी
त्वरण बढ़ेगा, तो यहां पर इनकी जो गति होगी वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान में रखना है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट है, ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट। तो ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट होती है ये हमेशा किस में गति करती है, वाई एक्सिस में, यह है वाई एक्सिस में गति करती है। ठीक है, जबकि दूसरा पार्ट कौन सा है आपका इसका, कि क्षैतिज विक्षेपण प्लेट। तो क्षैतिज विक्षेपण प्लेट किस में गति करेगी, एक्स एक्सिस में। तो सेकंड कौन सा है, क्षैतिज विक्षेपण प्लेट। तो क्षैतिज विक्षेपण प्लेट एक्स एक्सिस में गति करेगी, तो क्या लिखेंगे, यह एक्स एक्सिस में गति करती है। अब देखिए यहां पर जो मैंने तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे आपको, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इनको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट बनता है कि यदि यहां पर क्या है कि आपकी ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट कार्य करना बंद कर दे तो आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा। तो ध्यान में रखना है जैसे इसमें दो प्लेट है, एक ऊर्ध्वाधर है और दूसरी कौन सी है, क्षैतिज है। तो ये तो आपकी कौन सी हो गई, मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर है और ये कौन सी है, क्षैतिज है। तो इन्हें तो नाम दे देता हूं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर और इसे नाम दे देता हूं क्षैतिज। ठीक है, तो ये दो क्या मान ले हमने, प्लेट मान ले हैं। तो यहां पर यदि ऊर्ध्वाधर का इनपुट क्या होता है, जीरो होता है, यानी ये कार्य नहीं कर रही है तो इनपुट जीरो होगा, और यहां पर इस पर कोई ना कोई क्या है, इनपुट है, इस पर क्या है, कोई ना कोई इनपुट है। तो यहां से समझ जाना फर्स्ट केस है कि यदि ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट कार्य करना बंद कर दे, यानी कि ये कार्य नहीं कर रही है, इनपुट क्या है, जीरो है, तो स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देगा, पहला क्वेश्चन यही बनता है। ये आपकी स्क्रीन है सीआरओ की, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है सीआरओ की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फर्स्ट केस, सेकंड केस की बात करते हैं कि यहां पर ये आपकी क्षैतिज है, क्षैतिज इनपुट, और ये आपका ऊर्ध्वाधर। अब देखिए यानी क्षैतिज इनपुट क्या है, जीरो है, यानी कि आपका क्षैतिज विक्षेपण प्लेट कार्य करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, और इनपुट किस पे है, ऊर्ध्वाधर पर है, तो आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, एक्स एक्सिस और आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये दो केस हैं, थर्ड की बाद में बात करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि आपकी ऊर्ध्वाधर इनपुट शून्य होता है, यानी ऊर्ध्वाधर प्लेट कार्य करना बंद कर देती है, तो स्क्रीन पर केवल
एक क्षैतिज लाइन दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि आपका ऊर्ध्वाधर इनपुट क्या रहता है, शून्य रहता है, तो आपका स्क्रीन पर केवल एक क्षैतिज रेखा दिखाई पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि यदि क्षैतिज विक्षेपण प्लेट कार्य करना बंद कर दे, तो या आप कह सकते हो क्षैतिज इनपुट क्या है, जीरो होगा, तो आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, एक ऊर्ध्वाधर लाइन दिखाई पड़ती है, ठीक है। और थर्ड केस क्या बनता है कि यदि दोनों ही इनपुट क्या हो, अनुपस्थित हो। थर्ड केस यहां पर, जैसे यहां पर आपका क्षैतिज इनपुट भी क्या हो, जीरो हो, और ऊर्ध्वाधर भी क्या हो, इनपुट भी क्या हो, जीरो हो, तो आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस अवस्था में आपको केवल स्क्रीन पर एक बिंदु में प्रकाश दिखाई देगा, ठीक है ना। तो तीनों केस आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि यहां पर क्या है, ऊर्ध्वाधर इनपुट अनुपस्थित होता है, तो आपकी स्क्रीन पर क्षैतिज लाइन होगी, और यदि क्षैतिज इनपुट अनुपस्थित होता है तो ऊर्ध्वाधर लाइन, और यदि दोनों ही इनपुट अनुपस्थित होते हैं तो केवल स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देगा, एक बिंदु में प्रकाश दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम मोड ऑफ सीआरओ की, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सीआरओ की। अब ध्यान में रखना है कि मोड सीआरओ कितने मोड पर कार्य करता है। तो फर्स्ट है आपका नॉर्मल मोड सीआरओ, और दूसरा होता है आपका ड्यूअल मोड सीआरओ, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कौन सा है आपका नॉर्मल मोड सीआरओ, सेकंड कौन सा है ड्यूअल मोड सीआरओ। तो ध्यान में रखना है कि नॉर्मल मोड सीआरओ होता है उसमें एक्स जो आपकी एक्स एक्सिस में गति करती है, कौन सी है, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज विक्षेपण प्लेट, उस पर फंक्शन जनरेटर का क्या दिया जाएगा, आउटपुट। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि नॉर्मल मोड सीआरओ में स्वेप वेव जनरेटर या फंक्शन जनरेटर बोल सकते हो, या फंक्शन जनरेटर का आउटपुट दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि नॉर्मल मोड सीआरओ है उसमें फंक्शन जनरेटर का जो आउटपुट होगा वो दिया जाता है किस पर, क्षैतिज विक्षेपण प्लेट पर, क्षैतिज विक्षेपण प्लेट पर दिया जाएगा, ठीक है। जबकि जो इनपुट सिग्नल होगा वो किस पे दिया जाएगा, ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट पे, जबकि इनपुट सिग्नल ऊर्ध्वाधर प्लेट
पर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि यहां पर आपकी एक तो क्या है, क्षितिज है, क्षितिज विक्षेपण प्लेट है, ठीक है, ये आपकी क्षितिज विक्षेपण। और दूसरी कौन सी है, ऊर्ध्वाधर, कौन सी है, ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट है, ठीक है। तो जो भी आप फंक्शन जनरेटर से आपने कोई भी सिग्नल उत्पन्न किया, जैसे आपने ये ट्रायंगुलर सिग्नल उत्पन्न किया है किसके द्वारा, फंक्शन जनरेटर के द्वारा, तो ये किस पे दिया जाएगा, क्षितिज पे। और जो आपका इनपुट सिग्नल है वो किस पे दिया जाएगा, ऊर्ध्वाधर पर। तो आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, यहां से आपको स्क्रीन पर केवल फंक्शन जनरेटर का जो आउटपुट है वो ही दिखाई देगा, ये आपको आउटपुट में दिखाई देगा, जैसे Vm प्लस Vm और माइनस Vm दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तो क्या होता है, आपका नॉर्मल मोड CRO होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम ड्यूअल मोड CRO की, इसकी ड्यूअल मोड CRO की, ठीक है। तो यहां से मैं इसे मिटा देता हूं, उसके बाद में आता है आपका ड्यूअल मोड CRO, ठीक है। कौन सा है, ड्यूअल मोड CRO है। तो ड्यूअल मोड CRO को हम XY मोड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, XY मोड भी बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, XY मोड, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी क्षितिज प्लेट होती है और जो ऊर्ध्वाधर प्लेट होती है, वहां से क्या करना है, फंक्शन जनरेटर को हटा देना है, क्या करना है, उसके स्थान पे इन्हें नाम देंगे हम X और इन्हें क्या नाम देंगे, Y। तो इस X से कौन होगा, क्षितिज कनेक्ट रहेगी और क्षितिज विक्षेपण प्लेट, और यहां पे क्या होगी, ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट होगी, ठीक है। तो जैसे हमेशा ध्यान में रखना है, वहां पर क्या करते थे हम, क्षितिज विक्षेपण प्लेट पर फंक्शन जनरेटर या स्वेप वेव जनरेटर का क्या देते थे, आउटपुट देते थे, वहां पर उसके स्थान पर हम किस पे देंगे, एक्स पर देंगे। तो आपने जैसे ये कोई भी इनपुट दिया एक्स पे, एक्स, ठीक है, और ये आपने किस पे दिया, वाई पे दिया है। तो आपकी स्क्रीन पर ड्यूअल मोड CRO या XY मोड CRO में आपकी स्क्रीन पर एक लिसाजू आकृति दिखाई देगी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी आकृति है ये, लिसाजू, लिसाजू आकृति दिखाई पड़ती है। तो यहां पे जो X मोड है उस पर फंक्शन जनरेटर का आउटपुट रहेगा, और जो Y है, Y पर आपका जो इनपुट सिग्नल है वो दिया जाएगा। इसके अलावा दो टर्म्स और है, उनको भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक तो होता है ड्यूअल ट्रेस CRO, ठीक है ना। तो एग्जाम में बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूअल ट्रेस CRO में कितने इलेक्ट्रॉन बीम होंगे और इनपुट कितने होंगे। तो ड्यूअल ट्रेस CRO में एक तो क्या होगी, वन तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बीम होगी, एंड टू क्या होंगे, इनपुट होंगे। ध्यान में रखना है इस बात को कि ड्यूअल ट्रेस CRO, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम होगी और दो क्या होंगे, इनपुट होंगे। एक होता है ड्यूअल बीम CRO, क्या होता है,
ड्यूअल बीम सीआरओ, ठीक है। तो ड्यूअल बीम सीआरओ होता है उसमें क्या हो गया, दो टू तो क्या होंगी इलेक्ट्रॉन बीम होंगी एंड टू ही क्या होंगे इनपुट होंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ड्यूअल ट्रेस का मतलब क्या होता है और ड्यूअल बीम का क्या होता है। तो ड्यूअल ट्रेस मतलब वन इलेक्ट्रॉन बीम और दो क्या होंगे इनपुट होंगे, जबकि ड्यूअल बीम बोला जाए तो दो इलेक्ट्रॉन बीम होगी और दो ही क्या होंगे इनपुट होंगे। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारा स्क्रीन, स्क्रीन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूं। अब देखिए स्क्रीन के बारे में देखते हैं, स्क्रीन ऑफ सीआरओ, हेडिंग डाल दीजिए स्क्रीन, स्क्रीन ऑफ सीआरओ। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सीआरओ की स्क्रीन है उसका बाह्य भाग किसका बना होता है, ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, स्क्रीन का बाह्य भाग ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि स्क्रीन का बाह्य भाग किसका बना होता है, ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है। फिर उसके बाद में ध्यान में रखना है कि स्क्रीन के आंतरिक भाग पर फास्फर का क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, स्क्रीन के आंतरिक भाग पर फास्फर का लेपन करवाया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आंतरिक भाग पर किसका लेपन रहेगा, फास्फर का लेपन रहेगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान में रखना है कि फास्फर लेपन का उद्देश्य क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करना, प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो क्या लिखेंगे कि फास्फर का उद्देश्य इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। उसके बाद में यहां पर क्या आता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, किससे टकराएंगे, स्क्रीन से टकराएंगे, उसको चलो बाद में लिखते हैं, पहले यहां पे कि अब आपको प्रदीप्तन दक्षता बढ़ानी है। तो ध्यान में रखना है कि स्क्रीन की प्रदीप्तन दक्षता
बढ़ाने के लिए फास्फर में कुछ कुछ सक्रिय तत्व मिलाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। तो वो कौन से हैं सक्रिय तत्व? तो ध्यान में रखना है कि कॉपर, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीन और आपका क्रोमियम मिलाए जाए। ठीक है, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के साथ जाते हैं और टकराते हैं, तो टकराने के साथ ही क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न, प्रकाश के साथ ही क्या है, ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तो उस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, एल्यूमिनियम की पत्ती का। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रकाश उत्सर्जन के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, अतः ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए हीट सिंक के रूप में, हीट सिंक के रूप में एल्यूमिनियम की पत्ती स्क्रीन के अदृश्य अदृश्य भाग पर लगाई जाती है। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना है ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम की पत्ती का। अब इसके अलावा लास्ट पॉइंट, इसकी संरचना से आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रॉन के द्वितीयक जो उत्सर्जन है उन इलेक्ट्रॉन्स को एकत्रित करने का होता है। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के द्वितीयक उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन के द्वितीयक उत्सर्जन को करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे एक्वा डॉग कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चला है कि सीआरओ किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, थर्मोनिक इमिशन के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे, थर्मोनिक इमिशन, यानी ताप के साथ इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। तो हमेशा ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि सीआरओ थर्मोनिक इमिशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां से सबसे पहले मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आपने देखा कि यहां पर क्या लगा है, हीटिंग एलिमेंट, तापन तंतु जो नाइक्रोम का बना होता है, जिसे प्रचालित कराने के लिए 6.3 वोल्ट और 600 मिली एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। उसके बाद में ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो कैथोड है ये बेलनाकार संरचना में होता है, इसके एक सिरे पर बैरियम ऑक्साइड और संट्रांसियम ऑक्साइड का क्या रहता है, लैपन रहता है।
उसके बाद में यहां पर क्या लगाई जाती है, कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड किसकी बनी होती है, निकिल की बनाई जाती है, जिस पर हम ऋणात्मक सप्लाई देते हैं जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद में लगी होती है हमारी अग्र और पश्चतावरित एनोड। तो अग्र तावरित एनोड का कार्य क्या होता है कि जब इनपुट आवृत्ति का मान 10 MHz से कम होता है तो स्क्रीन की ब्राइटनेस को नियंत्रित करने का कार्य अग्र तावरित एनोड का होता है। और यदि इनपुट आवृत्ति का मान 10 MHz से अधिक होता है तो आपकी पश्चतावरित एनोड स्क्रीन की ब्राइटनेस को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। उसके बाद हमने पढ़ा था फोकसिंग एनोड। तो फोकसिंग एनोड का कार्य यहाँ पर रिजोल्यूशन का होता है। यदि आपने विद्युत स्थैतिक फोकसिंग एनोड का प्रयोग किया है तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन कम होगा, और यदि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रयोग की है यानी विद्युत चुंबकीय, तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद में आपने देखा था कि यहाँ पर क्या लगाई थी हमने, विक्षेपण प्लेट लगाई थी। विक्षेपण प्लेट का कार्य क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गति करते हैं उन्हें पूरी स्क्रीन पर विस्थापित करने का होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की विक्षेपण प्लेट होती है, ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट और क्षैतिज विक्षेपण प्लेट। तो क्षैतिज विक्षेपण प्लेट होती है वो वाई एक्सिस में गति करती है, और ऊर्ध्वाधर होती है वो वाई एक्सिस में, जबकि क्षैतिज एक्स एक्सिस में गति करती है। इससे संबंधित यहाँ पर हमने तीन क्वेश्चन देखे थे। पहला क्वेश्चन देखा था कि यदि क्षैतिज विक्षेपण प्लेट कार्य करना बंद कर दे तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है, ऊर्ध्वाधर लाइन दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यदि ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट कार्य करना बंद कर देती है तो स्क्रीन पर हमें क्षैतिज लाइन दिखाई पड़ती है। और इसके अलावा यदि दोनों प्लेटें कार्य करना बंद कर देती है तो स्क्रीन के मध्य भाग में हमें बिंदु में प्रकाश दिखाई देता है। अब उसके बाद में हमने स्क्रीन के बारे में देखा था। तो स्क्रीन का जो बाह्य भाग होता है वो ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है, जिसके आंतरिक भाग पर फास्फर का लेपन किया जाता है। तो फास्फर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। अब इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से टकराते हैं तो प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित करते हैं। तो उस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम की क्या लगाई जाएगी, पत्ती लगाई जाएगी। तो ये हीट सिंक का कार्य करती है। आप देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, स्क्रीन से टकराने के बाद भी इलेक्ट्रॉन प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं। तो द्वितीयक उत्सर्जन के लिए यहाँ पर स्क्रीन के अदृश्य भाग पर ग्रेफाइट लगाया जाता है, जो एक्वा डोप का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये क्या थी, इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन थी इसकी, सीआरओ की। तो अब हम पढ़ते हैं यहां पर मापन, सीआरओ के माध्यम से मापन। अब देखते हैं हम मापन, ठीक है, सीआरओ के द्वारा मापन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेजरमेंट बाय सीआरओ, मेजरमेंट बाय सीआरओ। तो सीआरओ के द्वारा मापन, ठीक है। तो सीआरओ किस किस का मापन कर सकता है, करंट, वोल्टेज, ठीक है, किस किस का, करंट, वोल्टेज, फेज एंगल, फेज एंगल और टाइम और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सीआरओ के द्वारा करंट, वोल्टेज, फेज एंगल, टाइम और फ्रीक्वेंसी का मापन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या है कि सीआरओ के द्वारा करंट, वोल्टेज, फेज एंगल, टाइम और फ्रीक्वेंसी का क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। जबकि जबकि सीआरओ द्वारा पावर,
का मापन संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सीआरओ के द्वारा किसका मापन संभव नहीं है, पावर का मापन संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर वोल्टेज का मापन, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ सीआरओ, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, सॉरी मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सीआरओ क्या करता है, वोल्टेज का मापन पीक टू पीक करता है। तो क्या लिखेंगे, सीआरओ वोल्टेज का मापन पीक टू पीक करता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है सीआरओ वोल्टेज का मापन पीक टू पीक करता है, और इसमें सीआरओ में जो एक्स एक्सिस होगा वो हमेशा टाइम को बताएगा, जबकि वाई एक्सिस होगा वो वोल्टेज के आयाम को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान में रखना है कि सीआरओ में एक्स एक्सिस टाइम को प्रदर्शित करता है, जबकि वाई एक्सिस वोल्टेज के आयाम को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों ही पॉइंट्स क्या है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार डीएमआरसी में पूछा गया है सीआरओ वोल्टेज का मापन करता है पीक टू पीक, ठीक है। सीआरओ में एक्स एक्सिस होता है वो समय को प्रदर्शित करता है, जबकि जो आपका वाई एक्सिस होता है वो वोल्टेज के आयाम को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं यहां पर इसे किस प्रकार से ये मापन करेगा। तो आपको पता है कि जैसे ये सीआरओ की क्या है, स्क्रीन है, ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, खाने होते हैं इसमें इस प्रकार से, ठीक। ये आपका एक्स एक्सिस है जो किसको प्रदर्शित करेगा, टाइम को प्रदर्शित करेगा, और ये जो आपका है क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें भी इस प्रकार से क्या होते हैं, खाने होते हैं, इस प्रकार से खाने रहते हैं इसमें, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी वेवफॉर्म है, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपके पास वेवफॉर्म है, ठीक है, ये वेवफॉर्म कंप्लीट कर देते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये है, ठीक है। तो देखिए यहां पर कि एक्स एक्सिस है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, टाइम को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको पता होगा कि ये जो एक खाना होगा, ठीक है, इसका मान लगभग क्या रहता है, एक मिलीसेकंड। तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक खाना बराबर क्या होगा, एक मिली सेकेंड प्रति सेंटीमीटर,
ठीक है ना, ये क्या होता है एक सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये खाना क्या है एक सेंटीमीटर का है, इसमें क्या होते हैं 10 भाग होते हैं, इसलिए मैंने यहां पर क्या मान लिया एक्स एक्सिस में एक खाना बराबर 1 मिली सेकेंड प्रति सेंटीमीटर है। तो आपको यदि समय ज्ञात करना होता है, क्या ज्ञात करना होता है समय, तो आपको पता है कि ये वेवफॉर्म यहां से चली और यहां पर क्या हो चुकी है कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपके पास एक खाने का समय है क्या है 1 मिलीसेकंड है। तो टोटल खानों की संख्या ज्ञात हो जाए तो आप समय ज्ञात कर सकते हैं, जैसे टाइम ज्ञात करना है आपको टाइम, तो यहां पर क्या लिखेंगे खानों की संख्या, खानों की संख्या गुणा एक खाने का पैमाना, ठीक है, खानों की संख्या एक्स एक्सिस में लिखिए, एक्स एक्सिस में गुणा किसका होगा कि एक खाने का पैमाना, एक खाने का क्या होगा पैमाना हो गया, ठीक है। तो अब आपको टाइम निकालना है कि ये आपको क्या दी गई है एक वेव दी गई है, इसका टाइम निकालना है आपको। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें पैमाना दिया क्या गया है आपको 1 मिली सेकंड प्रति सेंटीमीटर, तो खानों की संख्या की काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने खाने हैं 6 खाने हैं। तो ध्यान में रखना है कि जहां से आपकी वेव स्टार्ट होती है और जहां पर उसका कंप्लीट साइकिल होता है वहां तक एक्स एक्सिस में खानों की संख्या को काउंट कर लीजिए। तो खानों की संख्या कितनी आ चुकी है आपकी 6, तो यहां पर क्या लिखोगे टाइम के लिए खानों की संख्या 6 और एक खाने का आपने पैमाना क्या माना है 1 मिली सेकंड माना है, कितना माना है 1 मिली सेकंड, तो 1 गुणा मिली का मतलब 10 की घात -6, तो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा आपका, ठीक है, तो कितना हो गया 6 मिली सेकंड हो चुका है टोटल टाइम, ठीक है। तो यहां से आपके टाइम की क्या हो जाएगी गणना हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास टाइम है पूरी साइकिल का, तो आप फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट ये हो चुका है आपका, तो सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/T होता है, 1/ क्या होता है टी होता है। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा एफ बराबर 1/T, टी का मान कितना दिया आपको 6 मिली, तो आप क्या लिखोगे 1/6 × 10⁻³, ये 10 की घात -3 नीचे है ऊपर जाएगा कितना हो गया प्लस, यानी एफ का मान कितना हो गया 1000 / कितना हो चुका है आपका 6, कितना हो चुका है 6, तो यहां से भाग दे दीजिए इसे, तो 6 का एक बार गया 4 से इस गया, फिर 166.6 हर्ट्ज की आ जाएगी आपकी आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि यहां पर समय की गणना कर सकते हो, आवृत्ति की भी क्या कर सकते हो गणना क्या कर सकते हो। अब यदि हम क्या किसकी बात करें पीक की, ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इसका क्या है मैक्सिमम पीक है वी पीक, ठीक है, और ये क्या है इसका भी पीक है, क्या है वी पीक। तो यहां से यहां तक ये जो दूरी हो गई ये क्या हो गई पीक टू पीक हो गई, वी पीक टू पीक हो चुकी है, ठीक है ना। इसीलिए तो क्या कहा जाता है कि सीआरओ हमेशा वोल्टेज का मापन क्या करता है पीक टू पीक। तो यहां पर यदि आपको वाई एक्सिस में खानों की संख्या का पता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 खाने हैं 1, 2, 3, 4,
और इसका भी यदि आपको पैमाना दिया जाता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, वीआरएमएस से ज्ञात कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे थे, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, सीआरओ वोल्टेज का मापन क्या करता है, पीक टू पीक करता है। तो यहां पे मैक्सिमम पीक और ये मीन, तो दोनों क्या होगी, वे पीक टू पीक, ठीक है। तो वाई एक्सिस के खाने काउंट कर लेने आपको, और जो पैमाना दिया जाता है उससे क्या कराया जाएगा, गुणन कराया जाएगा। इसी प्रकार एक्स एक्सिस किसको बता रहा था, समय को बता रहा था। तो हमने एक खाने का पैमाना लिया और जितना खानों की संख्या आती है एक साइकिल को पूर्ण करने में उससे गुणा कराया, तो हमारा समय आ गया था। समय आ गया तो आप फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस आपका किसको प्रदर्शित कर रहा है, वोल्टेज को, किसको, वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देखिए ये मैक्सिमम मान है, ये भी क्या है, मैक्सिमम मान है। तो यहां से V पीक टू पीक इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 2Vm हो चुका है। क्या हो चुका है, 2Vm, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, V पीक टू पीक बराबर क्या होता है, 2Vm होता है, ठीक है। अब देखिए चूंकि वी आर एम एस बराबर क्या होता है, Vm बाय रूट टू, क्या होता है, वी आर एम एस बराबर Vm बाय रूट टू। तो यहां से Vm की वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां से Vm की वैल्यू निकालेंगे तो Vm बराबर क्या आ गया आपका, V पीक टू पीक बटे दो, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, ये मान इसमें रखोगे तो आपका वी आर एम एस कितना आ जाएगा, वी पीक टू पीक बटे क्या रखोगे, टू रूट टू। ये आपका क्या गया है, वोल्टेज आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, समय की भी गणना कर सकते हो, आवृत्ति की भी गणना कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, वोल्टेज की गणना कर सकते हो। अब यदि हम बात करें करंट की, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, करंट आता है। तो ध्यान में रखना है कि सीआरओ के माध्यम से करंट का मापन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीआरओ क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो हम यहां पे क्या लिखें, लिखेंगे कि सीआरओ द्वारा करंट का मापन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीआरओ एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि यहां पर करंट वेवफॉर्म सीआरओ स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती। तो हमने क्या लिखा है, सीआरओ द्वारा करंट का मापन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीआरओ एक क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तथा इसकी इनपुट प्रतिबाधा, इनपुट इंपेडेंस 10 मेगा ओम से अधिक होती है, तो हम करंट का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं कर सकते, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित मान का प्रतिरोध आपके सीआरओ के समांतर में संयोजित करना पड़ेगा। यानी कि जो आपने कोई ज्ञात मान का क्या ले लिया, प्रतिरोध ले लिया है, जैसे मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस क्या है, एस, और इसके समांतर में आपने क्या लगा दिया, सीआरओ लगा दिया है, क्या लगा दिया है,
सीआरओ। तो यहां से क्या प्रवाहित होगी, करंट फ्लो होगा। तो आपको पता है कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके द्वारा काउंट कर लिया जाएगा, सीआरओ के द्वारा। और रेजिस्टेंस है ही आपके पास, तो आप क्या क्या कर सकते हो, करंट ज्ञात कर सकते हो। तो आई बराबर आई आर एम एस बराबर क्या होगा, वी आर एम एस, और यहां पे ज्ञात प्रतिरोध क्या है, एस है। तो आप इसमें क्या करोगे, मान रख दो वी आर एम एस बराबर आपके पास क्या आया था, वी पीक टू पीक बटे टू रूट टू, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा, ऐसा जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, करंट की गणना कर सकते हो। तो ध्यान में रखना है कि सीआरओ द्वारा करंट का मापन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीआरओ क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके समांतर में, सीआरओ के समांतर में एक ज्ञात प्रतिरोध संयोजित करना होगा, ठीक है। तो आपको यहां पर आई आर एम एस ज्ञात करना है, तो वी आर एम एस बटे एस रखना होगा। अब इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, तो यहां से मिटा देते हैं। अब देखो, अब हम करते हैं फेज एंगल का मापन, ठीक है। तो फेज एंगल का क्या करेंगे, मापन करेंगे। तो ध्यान में रखना, जैसे आपका ये सीआरओ है, सीआरओ, ठीक है, यहां पर दो इनपुट है, ठीक है। तो आपने एक सिग्नल दिया x बराबर a साइन ओमेगा t, ठीक है, और दूसरा दिया आपने y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस में phi, ठीक है। दो इनपुट दिया आपने, x बराबर a साइन ओमेगा t और y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस में phi, ठीक है। तो यहां पर दोनों का क्या है, आयाम समान है, लेकिन दोनों में फेज का अंतर कितना है, फाई है। तो हमेशा आपके सीआरओ पे क्या दिखाई देगा, एक लिसाजू पैटर्न दिखाई देगा। तो जैसे मान लेते हैं हम फाई का मान हमने क्या रखा, जीरो, जीरो डिग्री, या आप क्या रखते हो 360 डिग्री, कितना रखते हो 360 डिग्री। तो ध्यान में रखना कि आपने दो साइन तरंग दी इनपुट के रूप में, या आप कह सकते हो दो ज्यावक्रीय तरंग इनपुट के रूप में दी गई, जिनका आयाम समान है और फेज का अंतर कितना है, जीरो डिग्री या 360 डिग्री है। तो आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, तो देखिए, यदि आप जीरो डिग्री रखते हो तो एक्स बराबर तो क्या आ गया आपका, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, और आपने वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, यहां पे फेज कितना है, जीरो डिग्री, तो आपने रखा जीरो, तो क्या होगा, ओमेगा डी। तो यहां से आपके पास समीकरण ए व समीकरण बी से क्या आ गया, वाई बराबर एक्स, या इसे आप क्या लिख सकते हो, वाई बराबर वन इंटू एक्स, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि चूंकि वाई इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, ये क्या होती है, सरल रेखा की समीकरण, क्या होती है, सरल रेखा की समीकरण होती है। तो यहां पे m किसको प्रदर्शित करता है, tan थीटा को, tan थीटा को। इसका मान इकाई कब होता है, जब थीटा का मान क्या हो, 45 डिग्री, थीटा का मान क्या हो, 45 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि y बराबर x, तो आपको सीआरओ की स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा,
एक सरल रेखा दिखाई देगी जो क्या करती है कि यहां से थीटा बराबर 45 डिग्री का क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस प्रकार पूछा जा सकता है कि यदि सीआरओ को दो ज्यावक्रीय तरंग इनपुट के रूप में दी जाती है जिनका आयाम क्या है, समान है, आयाम क्या है, समान है, और उनके मध्य फेज का अंतर 0 या 360 डिग्री है, तो स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा। तो स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक सरल रेखा दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी प्रकार यहां से दूसरा हम लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं फाई का मान क्या रख लेता हूं, 90 डिग्री, या आप कितना रखते हो, 270 डिग्री, कितना रखते हो, 270 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री या 270 डिग्री रखोगे तो x बराबर तो क्या है आपका, a साइन ओमेगा t, ठीक है, और y बराबर आपके पास क्या है, a साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। तो अब इसमें क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो आपके पास क्या आ चुका है, आपके पास a कोस ओमेगा t आ रहा है, इक्वेशन a और इक्वेशन b। अब देखिए इन दोनों का मैं यदि स्क्वेयर करके जोड़ देता हूं तो आपके पास क्या बनता है, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बराबर यहां पे क्या बचता है, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वेयर ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वेयर ओमेगा टी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर आपके पास क्या गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर आ गया। तो ये किसकी समीकरण है, वृत्त की समीकरण है, किसकी है, वृत्त की समीकरण। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि आप दो इनपुट ज्यावक्रीय तरंग देते हो जिनका आयाम समान है और कलांतर कितना है, 90 डिग्री या 270 डिग्री है, तो आपको सीआरओ की स्क्रीन पर एक वृत्त दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एक वृत्त, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर 90 डिग्री को मैंने ब्लैक से दिखाया है, तो यहां पे क्या होगा, इसका क्लॉकवाइज घूर्णन होगा, ठीक है। और यहां पर मैंने रेड कलर में क्या दिखाया, माइनस 270 डिग्री, तो इसका क्या होगा, विपरीत, एंटी होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि दोनों ज्यावक्रीय तरंग जिनका आयाम समान है, फेज कितना है, 90 डिग्री या 270 डिग्री है, तो सीआरओ की स्क्रीन पर आपको एक वृत्त दिखाई देगा। इसी प्रकार आपको क्या लेना है, 180 डिग्री का भी लेना है, तो देखते हैं 180 डिग्री में क्या होगा। तो थर्ड केस हम लेते हैं फाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है, फाई बराबर 180 डिग्री लिया आपने, तो यहां से क्या होगा, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी और वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि यहां पर साइन 180 डिग्री में हमेशा साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो y बराबर आपके पास क्या आएगा, माइनस a साइन, ठीक है, क्या होगा, एक ओमेगा t हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ओमेगा टी हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स और वाई एक दूसरे के बराबर है, वाई बराबर है एक्स के, लेकिन यहां पर क्या है माइनस एक्स है, तो यहां पर इसे क्या लिखोगे वन माइनस एक्स। तो यहां पर जो टेन थीटा का मान है, क्या है टेन थीटा का मान है, वो 45 डिग्री तो है लेकिन क्या है माइनस का है, किसका है माइनस का है, इसलिए आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो यहां पर सरल रेखा तो दिखाई देगी लेकिन वो क्या है अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएगी कौन बनाएगी, ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में तो सरल रेखा आपको दिखाई देगी। इस प्रकार से आपसे क्या है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आप इनको सोल्व नहीं कर सकते तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि फेज एंगल 0 या 360 डिग्री होता है तो सरल रेखा दिखाई देगी और स्लोप क्या होगा पॉजिटिव स्लोप होगा, ये क्या है पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। यहां पर यदि आप 90 डिग्री रखोगे या 270 डिग्री रखोगे तो यहां पर आपको स्क्रीन पर वृत्त दिखाई देगा, यदि 90 डिग्री है तो पॉजिटिव स्लोप रहेगा और 270 डिग्री है तो नेगेटिव स्लोप रहेगा। इसी प्रकार यदि आप फेज एंगल का मान 180 डिग्री रखते हो तो यहां पर जो थीटा का मान 45 डिग्री है वो आपका नेगेटिव स्लोप को प्रदर्शित करेगा, लेकिन सीआरओ की स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा आपको एक सरल रेखा दिखाई देगी। इसी प्रकार हम क्या करते हैं आवृत्ति की भी गणना करते हैं, ठीक है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की गणना करनी है तो जैसे मान लीजिए ये आपका सीआरओ है, सीआरओ है, ठीक है। तो यहां पर मान लेता हूं मैं एफ एक्स, ये तो क्या है आपके पास ज्ञात है, और एफ वाई फ्रीक्वेंसी है वो क्या है अज्ञात है, ठीक है। तो आपको एफ आई ज्ञात, एफ वाई ज्ञात करना है, तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि एफ वाई बटे एफ एक्स बराबर, तो यहां पे क्या लिखेंगे एक्स एक्सिस में काटे गए टेंजेंट या स्पर्श बिंदु बोल दो, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे y एक्सिस में काटे गए टेंजेंट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया है कि x बराबर a साइन 4t, x बराबर क्या दिया गया आपको a साइन 4t दिया गया है, ठीक है। तो आपको y बराबर a साइन wyt, यानी यहां पर y एक्सिस की कोणीय आवृत्ति ज्ञात करनी है आपको। तो और आपको सीआरओ की स्क्रीन पर दिखाया गया है एक वृत्त दिखाई दिया गया है इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहां से देखिए कि इसमें ये जो फोर है ये तो किसको प्रदर्शित कर रहा है ओमेगा एक्स को, ठीक है। ये हमें ज्ञात करनी है तो आप क्या लिखते हो ओमेगा वाई बटे ओमेगा क्या लिखोगे एक्स लिखोगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, एक्स एक्सिस में खींचिए या वाई एक्सिस में, दोनों में। अब देखिए एक्स एक्सिस में खींचा तो एक बिंदु पे स्पर्श किया यानी टेंजेंट एक बनाया, वाई एक्सिस में खींचोगे
तो एक जगह किया है, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या है, एक्स एक्सिस में काटे गए टेंजेंट, तो एक्स एक्सिस में केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा, तो यहां पर वैल्यू क्या रखोगे, वन, और वाई एक्सिस में कितना है, वन। इसका मान कितना दिया आपको, डब्ल्यू वाई बटे फोर बराबर वन। तो यहां से क्या गया, इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फोर रेडियन, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर फोर रेडियन आ जाएगी आपके, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा यदि आपको एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है यहां पर दो वृत्त दे दिए इस प्रकार से स्क्रीन पर, ठीक है। आपको एफ एक्स का मान दिया है 200 हर्ट्ज, कितना दिया है 200 हर्ट्ज। एफ वाई का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। तो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो एक एक्स एक्सिस में खींचना है और एक वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में खींचोगे वो तो यहां पर इस प्रकार से खींच दी, एक्स एक्सिस में मान लीजिए आपने यहां पर खींच दी, तो एक्स एक्सिस पे तो एक ही बनाता है और वाई एक्सिस पे कितना बनाता है, दो बनाता है। तो फॉर्मूले में यहां से वैल्यू रखिए, एफ वाई बटे एफ एक्स बराबर एक्स एक्सिस में कितना बनाया है, एक, और y एक्सिस में कितना बनाया है, दो। तो यहां से एफ वाई बराबर क्या हो गया, एफ एक्स बटे दो, यानी कि एफ एक्स का मान आपको कितना दिया है, 200 हर्ट्ज। तो 200 में आप किसका भाग दोगे, दो का भाग दोगे, तो कितनी आ गया होती, 100 हर्ट्ज आ गई। कितना हर्ट्ज आ गई, 100 हर्ट्ज आ गई। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हो। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सीआरओ में एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर ऑफ सीआरओ, एम्पलीफायर ऑफ सीआरओ, एम्पलीफायर ऑफ सीआरओ। तो हमेशा ध्यान में रखना कि सीआरओ में क्या है, एक्स प्लेट है, वाई भी है, या आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल प्लेट भी होती है, वर्टिकल। तो उसके आधार पर सीआरओ में एम्पलीफायर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, यानी क्षैतिज एम्पलीफायर। दूसरा होता है वर्टिकल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है। तो एक तो होता है क्षैतिज प्रवर्धक और दूसरा कौन सा होता है, वर्टिकल, ठीक है। तो ये जो क्षैतिज होता है ये क्या करता है कि नॉर्मल मोड सीआरओ, कौन सा, नॉर्मल मोड सीआरओ है आपका, और एक कौन सा होता है, ड्यूअल मोड सीआरओ, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि जो क्षैतिज प्रवर्धक होता है वो नॉर्मल मोड सीआरओ के, नॉर्मल मोड सीआरओ के जो क्षैतिज प्लेट पर जो सिग्नल दिया जाता है, यानी कौन सा होता है, फंक्शन, फंक्शन जनरेटर के आउटपुट, और ड्यूअल मोड सीआरओ के जो एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स प्लेट पर इनपुट दिया जाता है, इन दोनों को क्या करता है, परवर्धित करता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो क्षैतिज परवर्धक होता है वो नॉर्मल मोड सीआरओ के फंक्शन जनरेटर के आउटपुट, नॉर्मल मोड सीआरओ में
जो क्षितिज प्लेट होती है उस पर किसका आउटपुट दिया जाता है? फंक्शन जनरेटर का आउटपुट दिया जाता है, उसको परिवर्तित करता है। जबकि ड्यूअल मोड सीआरओ होता है, उसके एक्स प्लेट पर जो इनपुट दिया जाता है उन दोनों को परिवर्तित करने का कार्य किसका है? क्षितिज परिवर्धक का है। जबकि आपका जो ऊर्ध्वाधर परिवर्धक होता है ये क्या करता है कि जो नॉर्मल मोड है, नॉर्मल मोड एंड ड्यूअल मोड मोड के वाई प्लेट या ऊर्ध्वाधर प्लेट के सिग्नल को परिवर्धित करता है। ठीक है, सिग्नल को क्या करता है? परिवर्धित करता है। और इसके साथ साथ जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी वह बैंड विड्थ भी ज्ञात कर सकता है, कराने में सहायक है। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो क्षितिज परिवर्धक होता है वो नॉर्मल मोड सीआरओ के जो क्षितिज प्लेट पर फंक्शन जनरेटर का आउटपुट दिया जाता है उसको परिवर्धित करता है, उसके साथ साथ ड्यूअल मोड सीआरओ के एक्स प्लेट पर जो इनपुट दिया जाता है उनको परिवर्धित करता है। जबकि जो ऊर्ध्वाधर परिवर्धक है वो नॉर्मल मोड और ड्यूअल मोड के वाई प्लेट या ऊर्ध्वाधर प्लेट के सिग्नल को परिवर्धित करता है, उसके साथ साथ सेंसिटिविटी और बैंडविड्थ ज्ञात करने में भी सहायक है। तो इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है? 0.35 बटे राइजिंग टाइम, राइजिंग टाइम। ठीक है, तो 0.35 डिवाइड बाय क्या होगा? टी आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो क्या है, इसका परवर्धक है। इसके बाद में बात करते हैं सीआरओ की प्रोब के बारे में, यानी लीड के बारे में। ठीक है, सीआरओ प्रोब, सीआरओ प्रोब। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, जैसे टोटल सप्लाई है यहां पे वी आई, और यहां पर आपको आउटपुट वोल्टेज दे रखी है वी जीरो। तो यहां पे सी वन, सी टू, आर वन और आर टू। ठीक है, तो यहां पर आर वन क्या है? सीआरओ का इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, और आर टू क्या है? यहां पर सीआरओ प्रोब रेजिस्टेंस है। ठीक है, और सी वन क्या है? सीआरओ इनपुट कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, जबकि सी टू क्या है? सीआरओ जो प्रोब है उनकी कैपेसिटेंस है। तो आपको ज्ञात क्या करना है यहां पे? सीआरओ प्रोब में आर टू ज्ञात करना है आपको यहां पे, और क्या ज्ञात करना है? सी टू ज्ञात करना है। तो जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोध यहां पर आपको इस प्रकार से दे रखे, ये वोल्टेज क्या है? वी आई या वी वन लिख लीजिए, ये आर वन रेजिस्टेंस, ये आर टू। तो यहां पर आपका वोल्टेज डिवाइडर मेथड लागू हो जाता है। कौन सा? वोल्टेज डिवाइडर। तो यहां की वोल्टेज ज्ञात करनी है आपको, तो वी जीरो। ठीक है,
तो इधर कितने हैं V1 इनटू यहां का प्रतिरोध R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसको इधर गुणा करा दीजिए और इसमें भाग दे दीजिए, तो क्या होगा R1 प्लस R2 बटे क्या होगा R2, और यहां पे क्या होगा V1 बटे V0। इसे मैं K नियतांक मान लेता हूं, क्या मान लिया मैंने K नियतांक, तो इसमें भाग दोगे तो आपका क्या होगा यहां से R1 बटे R2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर क्या गया है K। ठीक है, तो इस 1 को इधर ले जाइए तो क्या होगा R1 बटे R2 बराबर K-1, क्या हो गया K-1। आपको क्या ज्ञात करना है प्रोब का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, तो R2 को इधर ले जाइए इसको नीचे ले आइए, तो R2 बराबर आपका क्या गया R1 बटे K-1 आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि CRO जो प्रोब होती है उसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हो। अब हम ज्ञात करते हैं CRO प्रोब की कैपेसिटेंस ज्ञात करते हैं, तो यहां पे मैंने दोनों कैपेसिटर ले लिए हैं C1 और C2। ठीक है, ये C1 है और ये C2 है, यहां की कैपेसिटेंस ज्ञात करनी है आपको, यहां की वोल्टेज V0, यहां की मान लेते हैं V1। तो यहां पर भी हमें क्या लगाना है वोल्टेज डिवाइडर नियम, तो V0 बराबर आपका क्या होगा विपरीत की कैपेसिटेंस, कुल वोल्टेज V1 गुणा C1 बटे C1 प्लस C2 आएगा। ठीक है, तो इसको इधर ले आई इधर इसको, तो V1 बटे क्या जाएगा आपका V0 बराबर C1 प्लस C2 बटे C1। ठीक है, तो इसे मैंने क्या माना था K बराबर आपका क्या गया C1 प्लस C2 बटे C1। ठीक है, तो इसमें भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा K बराबर यहां पर 1 प्लस C2 बटे C1। तो इसको इधर 1 को पहले इधर लेके जाइए तो क्या आएगा आपके पास C2 बटे C1 बराबर K-1, और C1 को उधर गुणा करा दीजिए तो C2 बराबर आपके पास क्या गया C1 ब्रैकेट में क्या गया K-1। तो ये फॉर्मूला भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि CRO प्रोब रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है R2 बराबर R1 K-1, और यदि CRO कैपेसिटेंस पूछा जाए तो C2 बराबर क्या होगा C1 K-1 होगा इसका फॉर्मूला। तो इनके माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक था CRO जिसके बारे में हमने क्या किया था डिस्कशन किया था। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट आपका CRO टॉपिक हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।